आम की सदाबहार किस्म विकसित करने वाले सुमन कहते हैं कि सोना जितना तपता है उसमें उतना निखार आता है। इस बात को ध्यान में रखकर राजस्थान के कोटा जिले के उन्नत कृषक वैज्ञानिक श्री किशन सुमन ने 20 साल की साधना के बाद सदाबहार नामक आम की ऐसी प्रजाति विकसित की है जो साल भर हर मौसम में फल देती है। श्री सुमन का सदाबहार आम राष्ट्रपति के मुगल गार्डन की भी शोभा बढ़ा रहा है। इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मानित किया जा चुका है। परंपरागत से ग्राफ्टिंग तकनीक तक मूलतः कोटा जिले के ग्राम गिरधरपुरा के निवासी 53 वर्षीय श्री किशन सुमन ने कृषक जगत को बताया कि वे पहले परंपरागत खेती करते थे। प्राकृतिक प्रकोप के कारण प्रभावित हुई फसलों की कम कीमत मिलती थी तो मन व्यथित रहता था। दैनिक आमदनी बढ़ाने के लिए सब्जियां भी उगाई, आय भी अच्छी होने लगी, लेकिन संतोष नहीं मिला। फिर फूलों की भी खेती की। अंग्रेजी गुलाब की ग्राफ्टिंग तकनीक से ऐसी किस्म तैयार की जिसमें एक एक ही पौधे पर 4-5 रंग के फूल आने लगे, लेकिन मन को ऐसा लगता था कि अभी तक वह नहीं मिला जिसकी चाहत है। फिर इस ग्राफ्टिंग तकनीक को फलों पर आजमाने का विचार आया और इसके लिए आम का चयन किया। चूंकि आम की फसल के उत्पादन में 1 वर्ष का अंतराल रहता है, जबकि खर्चा तो यथावत रहते हैं, यह सोचकर इस समस्या का समाधान करने के लिए आम की अलग अलग किस्म की गुठलियों को एकत्रित कर लगाते रहे। मात्र पौधों के साथ कुछ ग्राफ्टेड पौधों से नए पौधे तैयार करते रहे। ग्राफ्टिंग में बुजुर्गों का अनुभव तो काम आया ही। सीकर के किसान वैज्ञानिक श्री सुंदराम वर्मा के संपर्क में आने के बाद बहुत सुधार हुआ। सदाबहार नामकरण और विशेषताएं। श्री सुमन ने केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान लखनऊ को व्यक्तिगत रूप से दी तो पता चला कि वहाँ ऐसी कोई किस्म नहीं है जो साल भर फल दे सके। 1998 में श्री सुमन ने राष्ट्रीय नव परिवर्तन प्रतिष्ठान अहमदाबाद में आवेदन देकर इसके परीक्षण का आग्रह किया। बेंगलुरु से आए वैज्ञानिकों ने भी नमूने लिए। सदाबहार के छोटे पेड़ों पर फल आना शुरू हो जाते हैं, पकने पर नारंगी और काटने पर केसरिया निकलता है। एक फल का वजन 200-350 ग्राम तक रहता है। यह फल हर मौसम में फल देता है। इसका उत्पादन तो अधिक मिलता ही है, मौसम का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इसकी प्रतिरोध क्षमता भी अच्छी है। आम अनुसंधान केंद्र लखनऊ के हितेशियों ने जब इस पौधे ना बेचने और इसका पंजीयन करवाने की सलाह दी, इसके बाद कृषि मंत्रालय नई दिल्ली में इस किस्म का पंजीयन करवाया। श्री सुमन सप्ताह में एक बार अपने यहाँ आयोजित निःशुल्क आवासीय शिविर में स्थानीय और अन्य दूर दराज से आए किसानों को इस तकनीक का मार्गदर्शन भी देते हैं। श्री सुमन ने बताया कि मार्च 2017 में दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन में सदाबहार आम की प्रदर्शनी भी लगाई गई थी, जिसका राष्ट्रपति ने अवलोकन भी किया था और 4 पौधे वहां लगाए भी गए थे। सुमन का सम्मान। श्री किशन सुमन को वर्ष 2016 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली द्वारा जगजीवन राम अभिनव किसान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिसमें 50,000 रुपये की नगद राशि प्रदान की गई थी। 2018 में पैसिफिक विश्वविद्यालय उदयपुर और भारतीय किसान संघ द्वारा खेतों के वैज्ञानिक सम्मान प्रदान किया गया। वर्ष 2019 में प्रतिष्ठित महिंद्रा समृद्धि एग्री अवार्ड्स के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर 2,11,000 रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गई। इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्री बिजनेस प्रोफेशनल और OCP फाउंडेशन मोरक्को ने भी जयपुर में सम्मान प्रदान किया। रिपोर्ट RPS समाचार। मियांगंज को मायागंज होने से पहले जाने यहाँ का इतिहास। 250 साल पहले इस शख्स ने बदला था नाम। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहाँ जनसभा में कहा था कि अगर सरकार बनी तो मियांगंज का नाम बदलकर मायागंज कर दूंगा। सरकार बनने के 4 वर्ष बाद क्षेत्रीय विधायक बम्बालाल दिवाकर ने 31 जुलाई को DM को पत्र लिखा। उन्होंने पूर्व के नाम का जिक्र करते हुए मियांगंज का नाम बदलकर मायागंज या भूपत खेड़ा करने की मांग की।
डीएम ने मंगलवार 24 अगस्त को मियांगंज का नाम बदलकर मायागंज करने का प्रस्ताव अपर सचिव पंचायती राज को भेज दिया। वर्ष 1771 में बदला गया था नाम, जिस मियांगंज का नाम बदलकर मायागंज करने की कवायद शुरू हुई है। उसका नाम दस्तावेजों में पहली बार वर्ष 1771 में नाम बदला गया था। 250 साल पहले अवध के नवाब असरफुद्दौला के वित्त मंत्री मंगलामुखी किन्नर मियां अल्मास अली खान ने इसका नाम मियांगंज रखा था। पहले इसे भोपतपुर के नाम से जाना जाता था। विकिपीडिया पर इसका जिक्र है। सहायक जिला सूचना अधिकारी नव प्रभात रंजन ने बताया कि विकिपीडिया ने उन्नाव NRC नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर को लिंक किया है। इसकी सूचनाएं सही होती हैं, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इसे फीड नहीं किया जाता। ग्राम पंचायत में ही ब्लॉक और CHC मियांगंज, ग्राम पंचायत में ही ब्लॉक मुख्यालय, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CHC व अन्य सभी सुविधाएं हैं। ग्राम पंचायत का नाम बदलते ही पूरे ब्लॉक का नाम मायागंज हो जाएगा। पूर्व प्रधानाचार्य विवेकानंद इंटर कॉलेज मियांगंज उषा अवस्थी कहती हैं कि हम सब ग्रामवासी ग्राम प्रधान के प्रस्ताव का स्वागत करते हैं। मियांगंज के इतिहास के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि मियांगंज का पहले नाम सरंबा निवासी भोपत सिंह के नाम पर इसका नाम भोपतपुर था, लेकिन लखनऊ के नवाब असरफुद्दौला के नज़दीकी मियां अल्मास ने इसका नाम मियांगंज रख दिया था, जो हम लोगों ने पढ़ा है। मियांगंज की विशेषताएं, इस कस्बे में तोपखाना नाम से एक मोहल्ला है जिसमें तोप रखी जाती थी। हसनगंज तहसील में एक गाँव और संबंधित मुख्य सामुदायिक विकास खंड है। उन्नाव की ओर को एक अन्य मार्ग के साथ चौराहे के पश्चिम में से लखनऊ की स्थित है। आषाढ़ में एक पशु मेला आयोजित होता है। विक्रेता इस आयोजन में बेचने के लिए उत्पाद, कृषि उपकरण, मिठाइयां, खिलौने और अन्य माल लाते हैं। गांव में बुधवार और शनिवार को एक बाजार भी लगता है, जहां अनाज और सब्जियां बेची जाती हैं। आंकड़ों में मियांगंज जनगणना 2011 में आबादी 8948 2011 तक कुल घर 1575, मौजूदा समय यहां कुल घर 3780 घर मौजूदा समय में, आबादी 20,000 लगभग मौजूदा समय, मतदाता 8200, कुल क्षेत्रफल 3.195 वर्ग किलोमीटर, जिला मुख्यालय से दूरी 35 किलोमीटर, लखनऊ से दूरी 55 किलोमीटर, मुस्लिम आबादी 54%, हिंदू आबादी 46%, ब्लॉक में कुल गांव 140, कुल ग्राम पंचायतें 74। रिपोर्ट RPS समाचार।